वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो 2003 में रिलीज एक स्लैशर फिल्म द बोन स्नैचर है। ये कहानी एक मॉन्स्टर की है जो इंसानों पे हमला करके उनके मांस को खा जाता है। एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करना ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। कहानी के शुरुआत में हम अफ्रीका के नाबिब डेजर्ट को देखते हैं। उस रेगिस्तान में तीन लोग रिसर्च कर रहे थे। ये हार्वी, पॉल और क्लाइव है। उनका काम रेगिस्तान से मिलने वाले प्रेशियस चीजों को ढूंढना होता है, मोस्टली डायमंड्स। यहाँ क्लाइव उन दोनों को एक लोकेशन के बारे में बताता है, वहाँ एक वोल्केनो पाइप हो सकता है। तभी क्लाइव ने कहा कि वहाँ हमें डायमंड्स भी मिल सकते हैं। तो वो तीनों उस लोकेशन की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोकेशन काफी क्रीपी थी। यहाँ कई जगह पर डंडे लगे थे और उन डंडों पर एक अजीब सा मांस लगा हुआ था। तो पोल सैंपल लेने के लिए उस चट्टान पर हैमर से मारता है। वो चट्टान अंदर से खोखली थी तो उसमें तुरंत होल बन गया। फिर पोल थोड़ा अंदर से चेक करने गया कि तभी एक भयानक दिखने वाली मॉन्स्टर ने उस पर हमला करके उसे अंदर खींच लिया। हमें सिर्फ पोल की चीखें सुनाई देती है। हार्वी और क्लाइव के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं पता चलता। सीन शिफ्ट होता है और हम कोलंबिया शहर में एक रिसर्च लैब में जैक से मिलते हैं। वो अपने टीम के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे कि तभी उस रूम का टेम्परेचर अचानक से गिरने लगा। सब पैनिक करने लगे थे। जैक किसी तरह से मैनेज करके सब स्टेबल कर देता है। ये देख उसकी सीनियर उस पे खुश होते हैं और उसे और एक प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा जाता है। जैक दिए गए लोकेशन पर पहुंच गया था। ये वही नाबिब डेजर्ट है जो हमने पहले सीन में देखा था। जैक को लेने एक ऑफिसर आया जो उसे माइनिंग बेस पे ले जाता है। यहाँ जैक की मुलाकात जॉन और मिकी से हुई। जैक अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एक साइंटिस्ट है और वो यहाँ अपने कंपनी के तरफ से आया है। मिकी जैक के सामान को चेक करती है कि तभी उसे सामान में एक मशीन मिली। पूछने पर जैक ने कहा कि ये मशीन जमीन के 100 फीट नीचे पानी का पता लगा सकती है और साथ में ये किसी भी फ्रिक्वेंसी को कैप्चर कर सकती है। इस मशीन का नाम जैक ने चार्ली रखा था। तभी वहाँ टाइटस नाम का ऑफिसर आया जिसके हाथ में एक मरा हुआ सांप था। जैक की एंट्री करने के लिए मिकी डायरी ढूंढ रही थी पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। यहाँ जॉन ने उस डायरी को अपने पैंट में छुपा दिया था। तभी वहाँ और एक ऑफिसर कार्लो आया। उसे जॉन की ये बात अच्छी नहीं लगती तो वो उसे मारता है। मिकी वो डायरी जॉन से ले लेती है और जैक की एंट्री करके वो जैक और कार्लो निकल पड़ती है उसे टीम को ढूंढने के लिए जिसे हमने पहले सीन में देखा था। उनके बारे में अभी तक किसी को कोई खबर नहीं होती। पता नहीं उन्हें रेगिस्तान में कितने दिन लगेंगे। तो वो तीनों ट्रक में बहुत सारे ऑयल के गैलन लेते हैं। उनकी ट्रक ड्राइवर एक मागदा नाम की औरत होती है। टाइटस को एक बूढ़े आदमी ने लॉकेट दिया। देखने पर वो बिल्कुल उस रेगिस्तान में लगे मांस जैसा था। उस जगह जाने के बाद उन्हें उन तीनों का ट्रक दिखाई दिया और वहीं पे दो कंकाल पड़े थे। कार्लो समझ गया कि ये दो लाशें पॉल और क्लाइव की है और इन्हें जरूर हार्वी ने मारा होगा क्योंकि हार्वी की लाश वहाँ नहीं थी। मिकी ने नोटिस किया कि इन दोनों की मौत 7 घंटे पहले हुई है तो इतनी जल्दी बॉडी डिकम्पोज कैसे हुई। वो पुलिस को कॉल करने को कहती है। तभी टाइटस सबको आवाज दे के अपनी तरफ बुलाता है। उसे किसी के फुटप्रिंट्स मिले थे। पहले तो उन्हें लगा कि जरूर हार्वी के होंगे तो सब उन फुटस्टेप को फॉलो करने लगते है। थोड़ी दूर चलने के बाद टाइटस सबको बताता है कि यहाँ दो पैरों के निशान दिख रहे हैं पर आगे जाके 4 पैरों के निशान दिख रहे थे। वो सब चलते हुए उसी जगह पहुंच गए जहाँ वो मास्क लगे थे। जैक ने वहाँ लगे मास्क को छूने की कोशिश की पर टाइटस उसे या किसी भी चीज को छूने से रोकता है। फिर टाइटस अपने जेब से वो लॉकेट निकाल कर देखता है। वो बिल्कुल उन मास्क जैसा ही था। पता नहीं क्यों वो सबको यहाँ से निकलने को कहता है। सब अपने ट्रक में वापस आते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें और एक डेड बॉडी मिली। कर्ट कहता है कि ये बॉडी जरूर हार्वी की होगी पर कार्लो को ऐसा नहीं लगता तो मैगदा से आगे जाके चेक करने को कहता है। इस पर मैगदा इनकार करती है। उसने कहा कि अभी थोड़ी देर में अंधेरा होगा और वो रात में ड्राइव नहीं करेगी। तो वो सब वही रात गुजारने का डिसाइड करके ट्रक में सो जाते हैं। जैक को नींद नहीं आती। उसने आज जो भी देखा वो सब उसे याद आ रहा था। तो वो बाहर जाके एक बॉक्स से स्केटबोर्ड बना के घूमने लगता है। तभी वह मिकी उसके मशीन के साथ आई। उसने कहा कि तुम्हारी मशीन कब से आवाज कर रही है। उसे लगा कि यहाँ चलती हवा के वजह से मशीन बीप कर रही है। उसके बाद मिकी ट्रक में वापस आती है और जैक अभी भी बाहर ही था। वो क्रिएचर जैक की तरफ ही आ रहा था। उसकी मशीन फिर से बीप करने लगी थी। जैक अपने चारों ओर चेक करता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हम उसके पास वही क्रिएचर को देखते हैं जिसे देख जैक डरकर सबको चिल्लाते हुए जगाता है। वो कहता है कि उसने कुछ अजीब देखा पर जब कार्लो चेक करता है तो वहाँ कोई नहीं होता।
जैक कार्लो से कहता है कि उसने भालू जैसे किसी को देखा। इस पर कार्लो ने कहा कि यह अफ्रीका है और ऐसे जानवर देखना यह आम बात है। तभी मिकी ने नोटिस किया कि जो कंकाल वहाँ पड़ा था वो अभी वहाँ से गायब था। इस बात पर कार्लो को जैक पे शक होता है। जैक उसे समझाता है कि वो एक साइंटिस्ट है और उसे सिर्फ डेटा से मतलब है। तभी टाइटस उन्हें एक एंशियंट क्रिएचर के बारे में बताता है जो इंसानी शरीर से मांस स्नैच कर लेती है। कार्लो को टाइसन के कहने पर यकीन नहीं होता। तभी फिर से जैक की मशीन ड्रिप करने लगी तो कार्लो मैग्दा को उसी डायरेक्शन में ड्राइव करने को कहता है, लेकिन मैग्दा रात में गाड़ी चलाने से इनकार करती है। फ्रस्ट्रेट होकर कार्लो फिर से गाड़ी में बैठता है। उस रात और कुछ नहीं होता। सुबह होने पर सब वो निशानों को फॉलो करते हुए जाते हैं। तभी कार्ट को फिर से वो क्रिएचर दिखाई दिया। वो कुछ कर पाए उससे पहले ही कार्लो उस क्रिएचर को शूट कर देता है। वो क्रिएचर नीचे गिरकर कहीं जमीन में गायब हो गया। सब वहाँ चेक करने जाते हैं पर वहाँ कुछ नहीं होता। पर उन्हें वहाँ वही कंकाल मिला जो रात में गायब हुआ था। तभी मैग्दा वहाँ ट्रक लेके आई। कर्ट उस कंकाल को बैग में भर के ट्रक में रखता है। जैक टाइटस से उस क्रिएचर के बारे में पूछता है। टाइटस कहता है कि वो एक बार अपने साथी के साथ यहाँ आया था पर अचानक से उसका साथी कहीं गायब हो गया और उसे सिर्फ उसका स्कल मिला। ये सब सुनकर जैक और भी डर गया था। सब ट्रक में बैठकर जाने लगते हैं कि तभी ट्रक में शॉर्ट सर्किट होकर आग लगती है। सब ट्रक से उतर गए थे। मैग्दा कोशिश करके आग को कंट्रोल करती है। कर्ट ने ट्रक को चेक किया और कहा कि इसे ठीक होने में एक हफ्ता लग सकता है। तो मिकी बेस पे कॉल करके मदद बुलाने लगती है पर वहाँ सिग्नल नहीं होता। जैक परेशान होने लगता है। मैग्दा उसे समझाती है कि कंपनी हमारे लिए ट्रक जरूर भेजेगी जब हमें यहाँ रेगिस्तान में 2 दिन हो जाएंगे। सब रात में वही रुकने के लिए टेंट लगाते हैं। रात में सब एक एक करके पहरा देने का डिसाइड करते हैं। कुछ देर बाद कर टाइटस को उठाकर उसे पहरा देने को कहकर खुद सो जाता है। थोड़ी देर बाद टाइटस नोटिस करता है कि जैक की मशीन फिर से बीप करने लगी है, मतलब वो क्रिएचर यही कही है। तो वो कर्ट को चेक करने गया। उसकी हालत देख के वो जोर से चिल्लाता है। कर्ट के बॉडी पर बहुत सारी आंट्स ने हमला किया था। उसके शरीर से वो मांस खा रहे थे। टाइटस उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो चिट्टिया उसका हाथ जख्मी कर देते हैं। वो चिट्टिया अभी उनके ट्रक के तरफ आने लगती है तो सब पैनिक करने लगे। कार्लो उन पर ऑयल डालकर लाइटर से आग लगाने वाला था पर मैग्दा उसे रोकती है क्योंकि उनके ट्रक के ऊपर ऑयल के गैलन थे और कहीं आग फैल गई तो वो भी ब्लास्ट होंगे और सब मारे जाएंगे। कार्लो नोटिस करता है कि ऑयल की वजह से वो मॉन्स्टर चिट्टिया वापस जा रही थी। वो सब उस मॉन्स्टर की कमजोरी समझ गए थे। जैक ट्रक के चारों ओर ऑयल से एक सर्कल बनाता है कि तभी वो मॉन्स्टर बिल्कुल जैक के सामने आ जाता है तो कार्लो ने उसे शूट कर दिया। तो वो मॉन्स्टर वहाँ से जाने लगा पर फिर से कार्लो शूट करने गया तो जैक ने उसे रोका। दोनों में बहस होती है तो मिकी बीच में आके उन्हें रोकती है और कहती है अब इस सिचुएशन में एक साथ रहकर एक दूसरे की मदद करनी होगी नहीं तो वो मॉन्स्टर हम सबको मार डालेगा। सब बैठकर आगे क्या करना है इस बारे में सोचते हैं। मिकी ने कहा कि हमें किसी तरह उस मॉन्स्टर से बचते हुए मदद लाने जाना होगा। क्योंकि टाइटस घायल था तो मैग्दा टाइटस के साथ रुकती है। टाइटस कहता है कि मॉन्स्टर अपने बच्चों को ढूंढ रहा है। मिकी कार्लो और जैक मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रेगिस्तान में बहुत देर तक चलने पर वो तीनों थक गए थे। जैक नोटिस करता है कि उसकी मशीन फिर से बीप करने लगी थी। नीचे उन्हें एक जानवर का कंकाल दिखाई देता है जिस पर कुछ चिट्टियां थी। जैक उन्हें ऑब्जर्व करता है और कहता है ये चिट्टियां शायद डायनासोर से भी पहले की है और इनमें फॉर्मिक एसिड होता है जो खतरनाक और जानलेवा है। उन पर और एक मुसीबत आती है। वहाँ रेत का तूफान आता है और वो इतना तेज था कि ये तीनों एक दूसरे को टाइट पकड़ लेते हैं। वो तीनों तो बच गए थे पर जैक की मशीन टूट गई और कैन से काफी ऑयल भी गिर गया था। अब उनके पास आगे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। रात हो गई थी तो वो तीनों एक जगह रुककर आराम करते हैं पर वो सोते नहीं। पता नहीं वो मॉन्स्टर कब आए और उन पर हमला कर दे। जैक ऑयल से एक सर्कल बनाता है और तीनों उस सर्कल के अंदर ही बैठते हैं। थोड़ी देर में वो मॉन्स्टर आ गया। वो अपने मुंह से उन चिट्टियों को बाहर निकालता है। हम देखते हैं कि उसने मैग्दा का चेहरा लगा रखा था, मतलब उसने उन दोनों को भी मार डाला। पर ऑयल की वजह से वो चिट्टियां अंदर नहीं आ पा रही थी तो वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। अब सुबह हो गई थी। रेडियो की आवाज से इनकी नींद खुल जाती है तो वो सब उस आवाज को फॉलो करते हुए उसी बड़े से पत्थर के पास आते हैं। जैक और मिकी अंदर चेक करने गए। चेक करने पर जैक ने कहा टाइटस सच कह रहा था, यह पूरी आंट्स की नर्सरी है और वो क्वीन ऑफ आंट्स है जो बोन्स का यूज करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करके हमला करती है। तभी उन्हें बाहर से जॉन की आवाज आती है जिसे लगता है कि इन तीनों ने बाकी सबको मार डाला और अब डायमंड इनके पास है।
सब उसे बहुत समझाते हैं, पर जॉन किसी की बात नहीं सुनता। वो तीनों को हैंडक्रफ्ट डालकर अपने ट्रक में बिठा देता है। कुछ दूर जाने पर कार्लो जॉन को लात मारकर बेहोश करता है। फिर वो तीनों खुद को फ्री करके जॉन को हैंडक्रफ्ट डाल देते हैं। गाड़ी से उतरकर वो तीनों मैप चेक करते हैं। जैक कहता है कि क्रिएचर अपनी एक कॉलोनी बना रही है, शायद वो उसके जैसी और क्रिएचर बनाना चाहती है। तभी मिकी उन्हें एक माइन के बारे में बताती है। उन तीनों ने सोच लिया था कि वो इस क्रिएचर को मारकर ही वापस जाएंगे, तो वो तीनों उस माइन की ओर निकल पड़े। जॉन को गाड़ी में ही बंधा छोड़ वो माइन के अंदर जाने लगते है। कार्लो को गाड़ी में एक लिक्विड एक्सप्लोसिव नाइट्रोग्लिसरीन मिली, तो वो उसे अपने पास रख लेता है। अंदर जाने पर जैक किसी तरह से जनरेटर शुरू कर देता है। तभी तक वो मॉन्स्टर वहाँ आ चुका था। कार्लो ने उसे देख लिया और वो अकेला ही उस पर अटैक करने गया। जैक उसे ऐसा करने से रोकता है। तभी वो मॉन्स्टर कार्लो पर एक आयरन रॉड गिरा देता है। अब वो कार्लो पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जैक गोली चला कर उसे अपने पास अट्रैक्ट करता है। वो मॉन्स्टर जैक के पीछे जाता है। तब तक मिकी जैक कार्लो को फ्री करती है। जैक ने चालाकी से उस मॉन्स्टर को एक गड्ढे में गिरा दिया। कार्लो जैक से उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। तभी वो मॉन्स्टर कार्लो के पैर को पकड़ लेता है। मिकी और जैक बहुत कोशिश करते हैं उसे बचाने की, पर कार्लो उस नाइट्रोग्लिसरीन के साथ नीचे गिर जाता है। वो दोनों खुद को ब्लास्ट से बचाने के लिए भागते हैं और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की वजह से उस माइन की दीवारें हिलने लगी थी। तभी जैक की नजर वहाँ पे रखे कुकुन पे गई। जैक को लगा कि ये उस मॉन्स्टर का ब्रेन होगा। तब तक कई सारी चिटियां उनके ओर आ रही थी, तो देर न करते हुए जैक ने उस ब्रेन को चाकू से स्टैब कर दिया और उसी के साथ फाइनली उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। माइन की दीवारें गिरने लगी थी। मिकी और जैक किसी तरह खुद को बचाते हुए इस माइन से बाहर निकल गए। बाहर आने पर उन्हें और एक झटका लगा, उस मॉन्स्टर ने जॉन को मार डाला था। सीन शिफ्ट होता है और हम मिकी और जैक को देखते हैं। जैक ने यहीं पे रुकने का डिसीजन लिया था। तभी मिकी को लेने टैक्सी आती है। मिकी ने जैक को एक लॉकेट दिया। ये वही लॉकेट था जो हमने टाइटस के पास देखा था। मिकी टैक्सी में कुछ सामान रखवाती है और उसके सामान में हमें वही कुकुन दिखाया जाता है। वो अब इसे अपने साथ क्यों ले जा रही थी, इसी सवाल के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। सो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।